वेलकम बैक नाज़रीन, बीट स्पेशल में हम गुफ्तगू कर रहे हैं खलील रहमान कमर से, जो कि मुतनाज़ भी रहे और साथ ही साथ दिलों पर राज भी कर रहे हैं अपनी तहरीरों की वजह से। पहला, जब आपने अपनी तहरीर लिखी तो कहा जाता है कि आप बहुत छोटे थे, गालिबन 9th क्लास में थे। सात साल के, तो वो आपका जो पहली फेमस गज़ल जिस पर बाद में वो दो अशार थे, मेरे कज़न की डेथ हुई थी और वो अशार में सुना देता हूँ। कज़न था या थी? था। अच्छा जी, ज़रूर सुनाएं। कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गईं। ये पहले अशआर थे आपके? पहला शेर था मेरी जिंदगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। और इस पे फिर आपने किसको सुनाया सबसे पहले? वो घर में कोई नहीं सुनता था। तो फिर कोई रिकग्नाइजेशन कहाँ से मिली? देखो, मैंने लिखना शुरू किया, छपना शुरू हुआ, तो आई वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, तो माई फैमिली यूज टू बैंक ऑन मी, यू नो, इफ दिस गाय स्टडीज वेल एंड बिकम्स अ गुड बिग ऑफिसर तो ही विल टेक द फैमिली अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। लेकिन मुझे लिखने का शौक था, बेहद शौक, क्या मेरे अंदर था शौक का, तुम्हें मानता ही नहीं। तो मैं बहुत छपता था, पैसे भी आते थे उसके, तो इन दैट पुअर फैमिली आई वॉज द रिचेस्ट गाय। लेकिन मुझे बहुत मार पड़ती थी इस बात के ऊपर, शायरी करने पे या कुछ भी लिखने पे? उर्दू लिखूं सही बस, उस पर फिर रात को अब्बा का पहला सवाल होता था, घर में घुसते ही मेरे अम्मी से पूछते थे, हाँ इसने पढ़ा आज? और अगर मैंने उर्दू की किताब भी पढ़ी है, तो उन्होंने कहा ना बाबू जी, ये तो कहानियाँ लिखता रहा है, और अंग्रेजी का मैं नावल भी पढ़ूँ, चीज भी आती है, चिट्ठी अनपढ़ थी, अंग्रेजी को जैसे आजकल के लोग समझते हैं। एक दौर हम पे गुजरा है कि इंग्लिश हमारी कमजोरी बनती नजर आई, जिसको इंग्लिश नहीं आती। मैं शुरू से देख रहा था हमारी कमजोरी बन रही है, लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे अपने आप को अंग्रेजी बोलकर। क्या ये दुरुस्त था? ओ, बहुत बहुत बुरा था ये। इस बुराई ने हमारी कौम की तरक्की को खा लिया। सर सैयद कह गए कि अगर आपने मुझे सर सैयद से इन बातों पर थोड़ा, वो शायद उस जमाने तक ठीक थे सर सैयद, कि लोहे को लोहा काटता है, तो अंग्रेज़ों से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो अंग्रेज़ी सीखो, शायद वहाँ तक वो ठीक थे। मेरा नहीं ख्याल वो भी चाहते होंगे कि मुल्क जब आज़ाद हो जाए तो आप ज़बान की गुलामी में चले जाएँ। उस दौर में फ़र्क था। अच्छा, एक आपका बड़ा जो गाना फेमस भी हुआ, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूर था, ये किस एज में लिखा था? दरिया नहीं है लफ्ज़, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था जी। ये आप एक तो सुनना भी चाहेंगे और ये बताइएगा कि लिखा कब? गा के सुनाऊँ तुम्हें? गा के सुना दे मुझे। तौबा अस्तगफार, वो राहत फतेह अली खान के सुर और खलील रहमान कमर लगाएगा बैठ के, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं गाऊं और रात शायरी करें, जिसका काम उसको साथ। या ये गाना मैंने लिखा है गालिबन 2009 में जी। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब ये गाना गाया जा रहा था, तो मैं उस वक्त प्यारे अफजल के मिड में था, मैं लिख रहा था, तो मुझे फ़ोन आया रात का कि खलील भाई, इसके पीछे जो अलाप है खाली जा रहा है, अगर आप इसके पीछे दो अशार दे दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मुझे हमिंग करके सुनाइए। तो उन्होंने हमिंग करके सुनाया मुझे, एक दफ़ा दो दफ़ा सुना, तो मैं कोशिश करता रहा घंटा भर, लेकिन वो नहीं, आमद के बगैर मैं लिखता नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं देखूं जो मैंने पीछे कहीं कुछ लिखा है वो इस सुर पर पूरा उतरते हूँ। तो 9th क्लास में मैंने एक गज़ल लिखी थी, उसके दो अशार इस पर पूरे उतरे। हूबहू वही थे? नहीं, हूबहू वही नहीं, मतलब वो इस वज़न पर पूरे थे। अब वज़न समझ? जी जी जी। वो थे लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। और इसके दो अशार और भी मुझे याद हैं, तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा। क्या बात, यूं ही कुछ सोच लिया होगा बिछड़ने का सबब, और फिर मेरा जुर्म भी लोगों को बताया होगा। तो दो पहले अशार मुझे 9th क्लास में लिखे गए थे, जो अननोन थे, जिनको कोई नहीं जानता था, और उस वक्त कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, फिर अल्लाह ने उनको मशहूर कर दिया। इतने सालों के बाद
देखिए उसकी देन है ना, तो वो जब चाहे। तो ये किस सिचुएशन में लिखे गए थे? कोई आपकी अपनी ऊपर गुजरी थी, जैसे आपने सद के तुम्हारे में दिखाया भी कि आपकी अपनी लव स्टोरी भी। 7 साल में जब मैंने पहला शेर लिखा तो मुझ पर तो कुछ भी नहीं गुजरा था। तो जो लिखारी जब पैदा होता है ना, तो कहीं दर्द उसकी रगों में फितरतन सरायत कर रहा होता है। उस दर्द ने किसी हवाले से फूटना होता है। कोई लिख लेता है, कोई शायरी करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई तकरीर कर लेता है। तो मेरे यहाँ ये सौते कलम के तबस्सुम से फूट। इसके लिए आपका हालात जो हैं वो आप पे असर ज़रूर कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपकी इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट होती है, कुदरत की अता होती है। थोड़ा सा फैमिली लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी। फैमिली में कौन कौन है और कौन लोग हैं जो शुरू से आपके काम की फैमिली में होते हैं वैसे? नहीं, आपकी फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा पसंद करता है शुरू से आपके काम को? अब तो खैर ज़रूर पसंद किया जाता होगा शुरू से। शुरू से कोई भी पसंद नहीं करता। They never wanted me to write. आपकी वाइफ? हाँ, वो भी नहीं चाहती थी, पहले तो नहीं चाहती थी, क्योंकि I was a banker and I was a famous banker. जी। I was excelling like anything. तो she never wanted me to come in the showbiz. तो फिर ये कैसे हुआ कि आप एकदम से आ गए? वो देखिए, जिसने दी अता किया हुआ था उसने रास्ता तो निकालना था। मैंने छोड़ा बैंक। In my prime age I left the bank. तो उस टाइम रिएक्शन क्या था? I was the youngest vice president in Bank of India. रिएक्शन क्या था? ऐसे जैसे मैयत, जिसमें मैं रिजाइन करके आया था, लगता था मैयत आई है मेरी घर पे। दे वेप्ट लाइक दिस। इवन माय फादर वाज वीपिंग। क्या नजर आ रहा था? दूसरे को चुप करा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप अपने पीक करियर को छोड़ के और बिल्कुल तब्दीली, जहाँ पे आपको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई चीज आपको नहीं। ये ना कहिए, मुझे अल्लाह पे इतने भरोसे हैं कि मुझे नजर आता है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, डर नहीं लगता है इस चीज़ में। पहला ड्रामा कौन सा लिखा था? दस्तक और दरवाजा। लेकिन इससे पहले मैंने लॉन्ग प्ले लिखा था, बिलोंग वन सीरियल जो पहला मेरा था वो दस्तक और दरवाजा था। दूसरा बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सी। जी। तीसरा चांदपुर का चंदू, फिर लड्डा बाजार। और वो बड़ा फेमस भी हुआ था? सारे फेमस थे, सब फेमस थे, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखते हुए देखा हुआ है वो लड्डा बाजार। तो अच्छा, ये बताइएगा कि लिखारी तो आप मिल्ट इन थे, बन गए, प्रोफेशन भी अपना लिया, आज तक ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन जो कि लर्जातारी कर गई हो आप पे और उस तरह का कभी उससे पहले ना फील हुआ हो और फिर बाद में आपने उसको लिख भी डाला हो, सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं इसको? बैड एक्सपीरियंस कोई लिखना, जब कलम लेकर लिखता हूँ तो दुनिया का मैं खुशकिस्मत तरीन आदमी समझता हूँ उस वक्त अपने आप को। मेरी रिक्रिएशन है, मेरा इश्क है मेरा लिखना। लेकिन तजुर्बात बड़े घिनौने हैं, गाए गाए उनको उन पर लिखता रहूँगा। सबसे ज़्यादा जो आपको लगता हो कि कुछ भी नहीं कह सकता सबसे ज़्यादा क्या, मरने से पहले एक दो दिन पहले बता दिया हूँ मैं। यानी ये ऐसे कोई तलख तजुर्बात हैं जो आप शेयर नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, मैं खुलेआम शेयर करता हूँ, मैं तो छुपाता ही नहीं कोई बात। वो तो आपने अपनी पूरी स्टोरी जो है वो ड्रामे के फॉर्म में, बड़े नामियों के नाम आए जो हाजी थे बहुत। चलें आपको एक बात भी बता दी चलूँ कि जो आपका ड्रामा जिस पे सारी दुनिया रोई दानिश के मरने पे, मुझे उस पे रोना नहीं आया, लेकिन मुझे सद के तुम्हारे देख के एंड पे बहुत रोना आया था। तो आपकी क्या कंडीशन थी इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें? मैं नॉर्मली कहा करता हूँ कि औरत बेऔलाद भी हो तो फितरतन माँ होती। तुम्हारे अंदर जरा माँ के जज्बात में वक्त लग रहा है। लेकिन वो उससे ज़्यादा टची था। हाँ, बहुत टची था। ज़ाहिर है वो क्लोज टू माय स्किन एंड हार्ट फील किया मैंने भी। अच्छा, ये बताइएगा कि सियाहत का भी शौक है, कोई टूरिज्म भी वगैरह करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन सिर्फ अपने इर्द गिर्द लोगों को देख? मैं कहीं अपने दायरों में घूमता रहता हूँ। कुछ तख्लीकी आपको ऑब्जर्वेशंस नज़र आती हैं, तखय्युल जिसे हम कहते हैं? या मुझे अल्लाह ने देकर भेजा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। इस पर भी कईयों ने कदगन लगाई, मैं तो हैरान हूँ। मेरे मुल्क में ऐसे ऐसे हासिल भी पैदा हो गए, इस बात पर भी कदगन लगाते हैं। अगर मैं कहता हूँ यार मैं राइटर नहीं हूँ, मुझे तो अल्लाह ने दिया हुआ है, तो उनको इस बात की भी तकलीफ होती है, तो मैं की दशा में हम साया नहीं देता। एक चीज़ जो हमने अपने अगर हम हिस्ट्री भी उठा के देखें, जो बड़े राइटर्स थे उनको उनके जाने के बाद पहचाना गया, तो क्या ये वजह तो नहीं है कि अगर ज़िंदगी में किसी को क्रेडिट मिलना शुरू हो जाए तो? अरे तकलीफ है, मेरा माशरा
کی تربیت اس طرح ہوئی. ہم چونکہ میں چھوٹا تھا تو دیکھتا تھا 10 لاکھ روپیہ دے کر نوکری پہ گیا ہے بیٹا کسی کا تو میلاد ہو رہی ہے, بھائی دودھ کی شرم سے مر جاؤ, کسی کا حق مار کے آپ میلاد کروا رہے ہو اور اس پر اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو کے نیٹ کلین کپڑے پہن کے اس میلاد میں شرکت فرما رہے ہیں, جنہوں نے گھڑی کا پر وقت دیکھنا ہے کب اذان ہوگی اور نماز پڑھنی ہے. تو یہ میں نے بے شرمی دیکھی تو میرے معاشرے کو یہ دیمک کھا گئی. جب معاشرے میں کرپشن جو ہے وہ خون کی طرح سرایت کرنے لگتی ہے نا تو مورائلس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اور ہم موریلٹی کی سڑک سے پٹڑی سے کہیں نیچے اتر جاتے ہیں. ہم ڈراماز یا موویز اگر ہم پورے خطے کی بات کریں تو یہ دکھاتے رہے کہ ایک چور ہے, چوری کر کے غریبوں کی مدد کرتا ہے. دیٹس بیڈ, ناٹ الاؤڈ, شرعی طور پر کوئی حکم نہیں ہے اس کے اوپر. اور کسی بھی یورپی معاشرے میں یا امریکن معاشرے میں یا کہیں بھی افریقی معاشرے میں کہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے. لیڈر کون ہے آپ کا, لیڈر کسے مانتے ہیں؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. He is my only leader. ابھی کرنٹلی کوئی آپ ایسا بندہ جو آپ کو نظر آتا ہو پاکستان؟ But I cannot make him equivalent to that at all. He is a political leader of mine. My Nabi is my leader. He will remain my leader. پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کرپشن کو, کسی لیڈر کو, کسی جماعت کو, یا اوور آل؟ میں وہ کسی دن سیشن رکھ لینا, میں نام لے کے بات کر لوں گا, بیکاز موسٹ آف دم آئی نو. ٹوریزم, جب دیکھو میں ایک بات تمہیں بتاؤں, ایک روایت ہے کہ ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا اور چند دنوں بعد وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا کہ دیکھیے میں اتنے سارے معاملے جو ہے نا وہ نہیں کر پاؤں گا, یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو, تو یا تو میں مدد چھوڑ دوں گا یا مجھے ایک آدھ بات بتا دیجیے جس پر میں عمل کر لوں اور میں مسلمان رہ جاؤں. تو صحابہ سن کے غصے میں آگے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرنا, جھوٹ مت بولنا. بالکل. تو وہ 6 مہینے سال بعد جب دوبارہ ملا تو اس نے کہا سر میں تو کوئی جرم بھی نہیں کرتا. تو جہاں آپ کے ملک کا وزیر اعظم اسمبلی میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولے, ایک بات کرے اور باہر آ کے کہے کہ وہ تو میرا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا, اس ملک کا اللہ حافظ ہے, میں آپ کو بتا دوں. بالکل لاسٹ پہ بڑھ رہے ہیں, آخری میسج آپ کا اپنی یوتھ کے لیے لینا چاہوں گی کیونکہ آپ کو فالو کرتے ہیں لوگ, بے شک ناقدین موجود ہیں, حاسدین بھی موجود ہوں گے, لیکن لوگ پھر بھی کیونکہ آپ کا لکھا ہوا اگر اثر رکھتا ہے تو لوگ فالو کرتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ بہت دفعہ یہ بات کہی گئی ہوگی کہ آپ ہمارے مستقبل, اپنے ملک, ہمارے ملک کا مستقبل ہے. اب تو ہمیں جھوٹ لگتا ہے یہ. ویسے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ ہم سے سننے کی بجائے یوتھ کو خود بلیو کر لینا چاہیے کہ دے آر ریئلی دی فیوچر آف دس کنٹری. میری یوتھ کو ایک بہت برے دھندے میں ڈالا گیا ہے, وہ دھندا ان کو کیسے رائٹ ٹریک پر لائے گا مجھے سمجھ نہیں آتی, کہ اتنی مہنگی تعلیم حاصل کر کے وہ نکل رہے ہیں کہ ان میں سے کئی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اب ریکوری کیسے کرنی ہے, وہ ریکوری ان کو کبھی رائٹ ٹریک پر نہیں چلنے دے گی. لیکن میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ قربانی آپ کو دینی ہوگی اس ملک کو بچانے کے لیے, ریئل نارمز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ کو رشوت نہیں لینی ہوگی, کرپشن سے بچنا ہوگا, اپنا مقام پیدا کرنا ہوگا, برانڈز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آپ کو خود برانڈ بننا ہوگا, تب ہم اس ملک کو آگے لے کر جا سکیں گے. ورنہ ہم سوچتے رہیں گے کہ فلاں آدمی لے کر جائے گا تو کوئی نہیں لے کر جائے گا. بہت شکریہ. بالکل, برانڈ کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ خود برانڈ بن جائیں. بڑی خوبصورت بات کی. اس کے ساتھ ہی بیٹ اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. روبا عروج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.